एक्सेप्शन का टॉपिक हमारे पास यहाँ पे चल रहा है सी शार्प के अंदर, ठीक है। अब हम एक और टाइप की एक्सेप्शन यहाँ पे पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन, ठीक है। और ये एक्सेप्शन क्या होती है, इसको हैंडल कैसे करते हैं, इसको हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो मैं आ जाता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो में। अच्छा, ये जो हमारे पास एक्सेप्शन है जिसका नाम है इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन, ये हमारे पास तब आती है जब हम एरेज के साथ काम करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, एक एरे बनाता हूँ, ठीक है, इंटीजर टाइप का मैं एक एरे बनाता हूँ और इसका नाम मैं रख देता हूँ ARR, ठीक है। और इसका हम एक एरे बना लेते हैं और इस एरे की लेंथ मैं कितनी रखूंगा, 3, ठीक है। मतलब 3 लेंथ है इसका, मतलब मैं 0 से लेके 2 इंडेक्स तक इस पे वैल्यू स्टोर करवा सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं कहता हूँ ARR जो हमारे एरे का नाम है, और इसके 0 इंडेक्स के ऊपर मैं वैल्यू स्टोर करवाता हूँ 11, ठीक है। और फिर इसी तरह इसको हम कॉपी करते हैं, नीचे पेस्ट करते हैं और इसको मैं 1 पे स्टोर करवा देता हूँ वैल्यू 22, ठीक है। और 2 पे मैं वैल्यू स्टोर करवा लेता हूँ यहाँ पे 33, ठीक है। तो मतलब मैंने 3 लेंथ दी थी, इसका मतलब मैंने तीनों इंडेक्स के ऊपर, क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है और जितनी भी हमारी लेंथ होती है उससे एक कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 तक मैंने स्पेसिफाई कर दिया, मतलब मेरी तीनों वैल्यूज मैंने यहाँ पे इसको दे दी, ठीक है। और अब अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊं, तो हम अगर एरे को हमें प्रिंट करवाना हो तो हम एक अलग से लूप यूज करते हैं जिसका नाम है फॉरिच लूप, ठीक है। तो फॉरिच लूप में यहाँ पे स्टार्ट कर लेता हूँ और मैं इसके अंदर फॉरिच लूप के अंदर एक वेरिएबल बनाता हूँ इंटीजर टाइप का आई, और ये आई के अंदर वैल्यू कहाँ से आएगी, ARR से, ठीक है। मतलब ARR क्या है, हमारे पास एरे जिसके अंदर 3 वैल्यूज स्टोर है, वो 1 by 1 आई के पास आएंगी और आई को मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता जाऊंगा। तो मैं यहाँ पे CW टैप टैप कहता हूँ और इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ आई, ठीक है। और मतलब अब क्या होगा कि जब ये लूप फर्स्ट टाइम चलेगा, ARR के पास 11 आएगा, 11 आई के पास चला जाएगा, फिर 11 प्रिंट हो जाएगा, फिर दोबारा लूप चलेगा, ARR के पास 22 आएगा, वो आई के पास चला जाएगा। इसी तरह ये लूप कितनी दफा चलेगा, 3 दफा चलेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आऊं और इसको रन करूं, अच्छा हमारे पास वो कंसोल विंडो रुकी नहीं क्योंकि हमने यहाँ पे लास्ट लाइन में ये लाइन नहीं लिखी, कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक है, ये लिख लो ताकि हमारी कंसोल विंडो होल्ड रहे। अब यहाँ पे आके इसको रन करता हूँ, ठीक है। तो देखो हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, 11, 22 और 33, मतलब जितनी वैल्यूज थी एरे में वो हमारे पास आ रही है। लेकिन अब जो मैं एक्सेप्शन की बात कर रहा हूँ, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन, वो कब जनरेट होती है, देखो अगर मैं यहाँ पे एक वैल्यू और इसके अंदर ऐड कर दूं, ठीक है, मतलब मैं इसके थर्ड इंडेक्स पे एक वैल्यू स्टोर करवा देता हूँ 44, ठीक है। तो देखो अब वो जो एक्सेप्शन है वो आएगी इस लाइन के ऊपर। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो मैंने अपनी एरे की लेंथ कितनी रखी है, 3, ठीक है। और अब 3 तो मैंने यहां तक स्पेसिफाई कर दिया था ना, इसका मतलब अब मैं चौथे इंडेक्स के ऊपर, मतलब फोर्थ वैल्यू मैं यहाँ पे इसको असाइन कर रहा हूँ, जबकि हमारी लिमिट कितनी थी कि मैं 3 वैल्यूज ही स्टोर करवा सकता हूँ, क्योंकि इसकी लेंथ मैंने कितनी दी थी, 3, ठीक है। तो इस पॉइंट में हमारे पास क्या जनरेट होगी, एक्सेप्शन जनरेट होगी, और वो कौन सी होगी, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। तो यहाँ पे आके अगर मैं इसको रन करूं तो देखो हमारा प्रोग्राम रन हो गया, और अब देखो हमारे पास एक्सेप्शन कौन सी जनरेट हो रही है, हमारे पास एक्सेप्शन जनरेट हो रही है इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन। और ये कौन सी लाइन पे प्रिंट हो रहा है, मतलब ये एक्सेप्शन देखो जिस लाइन पे हमारे एरे की लिमिट एक्सीड हो रही है उस लाइन पे ये एक्सेप्शन जनरेट हो रही है। और अगर आप इसका एरर मैसेज देखो तो एरर मैसेज क्या आ रहा है, इंडेक्स वॉज आउटसाइड द बाउंड ऑफ द एरे, बाउंड मतलब जो एरे की लिमिट थी वो हमारी एक्सीड हो रही है, तभी यहाँ पे ये एरर मैसेज आ रहा है, इंडेक्स वॉज आउटसाइड द बाउंड ऑफ द एरे, ठीक है। तो इस एक्सेप्शन को अगर मुझे हैंडल करना है तो मैं कैसे करूंगा, मैं यहाँ पे आके इसको क्लोज करता हूँ, स्टॉप करते हैं, ठीक है। और देखो ये जो मेरे पास जितना भी पार्ट है, ठीक है, इसमें एक्सेप्शन आ सकती है, तो मैं इस पार्ट को रख देता हूँ ट्राई ब्लॉक के अंदर, ठीक है, ठीक है। तो ये जितनी भी लाइन है मैं इसको उठा के यहाँ पे रख लेता हूँ, ठीक है। अच्छा अब आप एक चीज नोटिस करो, मैंने ये जो एरे डिक्लेयर किया था इसको ट्राई ब्लॉक के अंदर क्यों नहीं रखा,
क्योंकि देखो जिन लाइंस पे आपको एक्सेप्शन आने के चांसेस होते हैं वही लाइंस आप कोशिश करो कहाँ पे रखो, ट्राई में रखो, ठीक है? सही है, मतलब ट्राई में वही लाइंस आप रखोगे जिनमें ज्यादा चांसेस होते हैं कि एक्सेप्शन आ सके, ठीक है? अब इसके बाद में यहाँ पे क्या करूंगा, कैच ब्लॉक ओपन कर दूंगा, ठीक है? और मुझे पता है कि यहाँ पे किस टाइप की एक्सेप्शन आ रही है, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन। तो मैं यहाँ पे इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन का क्या बना लूंगा, एक रेफरेंस वेरिएबल बना लूंगा, और यहाँ पे आके सी डब्ल्यू टैप टैप, और मैं एक अपना एरर मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले करवा लेता हूँ, और मैं कह देता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ एरेज रेंज इज एक्सीडेड, ठीक है? ये एक नॉर्मल सा मैसेज मैं अपना प्रिंट करवा रहा हूँ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा एरे यहाँ पे डिस्प्ले करवाओ। और देखो ये जो फॉर ईच लूप है, ठीक है, ये भी मैं कहाँ पे रख लूंगा, ट्राई ब्लॉक के अंदर रख लूंगा, ठीक है? ट्राई ब्लॉक के अंदर क्यों रख रहा हूं, क्योंकि देखो हमारे पास अगर मैंने ये तीन आइटम्स दिए होते, इसका मतलब हमारे पास ये फॉर इच लूप यहीं पे प्रिंट हो जाता, ठीक है? लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये चौथा आइटम भी इसके अंदर स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है, ये चौथा आइटम भी इसमें स्टोर कर रहा हूँ, तो क्या होगा, इस पॉइंट में जैसे ही एक्सेप्शन आएगी तो हमारा लूप नहीं चलेगा, ठीक है? क्योंकि जिस पॉइंट पे एक्सेप्शन आती है वहीं से हमारा कंट्रोल कहां पे ट्रांसफर हो जाता है, कैश ब्लॉक के पास ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है? तो अब अगर मैं यहां पे आके इसको रन करूं तो आप रिजल्ट देखो, ठीक है? देखो हमारे पास मैसेज क्या आ रहा है, जो मैंने कैश ब्लॉक में लिखा था, एरेज रेंज इज एक्सीडेड, ठीक है? तो ये इसका एक पॉइंट है, मतलब इस तरह से हम इस एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। और फिर मैंने आपको एक और बात बताई थी कि हमारे पास जितनी भी एक्सेप्शन क्लासेस हैं उसमें एक मैसेज प्रॉपर्टी होती है जो उस क्लास का पर्टिक्युलर मैसेज डिस्प्ले करवाने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं कहता हूँ सी डब्ल्यू टैप टैप, और यहाँ पे ये जो रेफरेंस वेरिएबल था इस क्लास का ex, ठीक है, सही है, इसके साथ हम एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं मैसेज, और ये मैसेज की प्रॉपर्टी क्या करेगी, जो भी इस क्लास का पर्टिक्युलर मैसेज होगा, एरर मैसेज होगा, एक्सेप्शन मैसेज होगा, वो ये मैसेज की प्रॉपर्टी डिस्प्ले करवाएगी, ठीक है? तो अब यहाँ पे आते हैं और इसको रन करते हैं, ठीक है? देखो क्या मैसेज आ रहा है, इंडेक्स वॉज आउटसाइड द बाउंड ऑफ द एरे। अब देखो ये वही मैसेज है जो कब हमें शो हो रहा था, जब मैंने एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं की थी, जब एक्सेप्शन सी शार्प हैंडल कर रहा था तो वो भी हमें यही मैसेज दिखा रहा था। तो उसी मैसेज को यूज करते हुए मैं यहाँ पे अपना मैसेज डिस्प्ले करवा सकता हूँ, वरना आप अपना भी कोई यूजर फ्रेंडली एरर मैसेज डिस्प्ले करवा सकते हो, जैसा मैंने पहली लाइन में प्रिंट करवाया, एरेज रेंज इज एक्सीडेड, ठीक है? तो ये होती है आपके पास कौन सी एक्सेप्शन, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन। जावा में होती थी इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, लेकिन यहाँ पे है इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन, और उसको हैंडल किस तरह से करते हैं वो भी हमने इस लेक्चर के अंदर देखा। क्लियर है यहाँ तक?